तो हेलो दोस्तों, फिर से नए ब्लॉग के साथ मैं उपस्थित हूँ आपके सामने। मैं पीएचडी के वर्क के कारण जा रही थी कार से अपने पति देव के साथ भोपाल। तो देखिए, पूरा दिन निकल गया। जिस समय हम लोग भोपाल पहुँचते थे उतने समय हम निकले थे। तो ये देखिए, सनसेट यानी कि सूर्यास्त होने वाला था, पर बहुत अच्छा लग रहा था। आजकल जो गर्मी बहुत पड़ रही है उस वजह से शाम को जाना थोड़ा सुकून वाला था, पर हिम्मत नहीं थी और तैयारी करनी थी। बहुत दिनों से मैं अपने पीएचडी का जो आरडीसी होता है, यानी कि एक कमेटी बैठती है, आपको जो लेना है सब्जेक्ट, किस टॉपिक पर आप पीएचडी करना चाहते हैं, वो सब काम करवा के मैं अपनी मैम से, अपनी गाइड मैम से रोज़ बात करती थी कॉल पे, और वो मुझे बताती रहती थी। और इस तरह से होते होते हमारा सब काम हो गया था और डेट पहले से डिसाइड थी। हमारे आरएनटीयू मतलब कि रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी रायसेन भोपाल में जम्मू कश्मीर से लेके साउथ तक के सभी तरफ के स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ जो पीएचडी कर रहे हैं। तो सभी को पहले से बता दिया गया था, तो उन्होंने अपना रिजर्वेशन करा लिया था। कोई फ्लाइट से आ रहा था, कोई ट्रेन से आ रहा था। इस बार मेरी काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है इस बार के सेशन का। ये हम लोग 6 महीने बाद जा रहे हैं, इसके पहले हम लोग अगस्त में गए थे, तो 2024 में अभी जा रहे थे। 6 महीने से तो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। इतनी दूर रहने के बाद कुछ ही समय बाद नहीं बुलाते हैं, थोड़ा लॉन्ग टाइम में बुलाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। तो ईश्वर की असीम कृपा से मैं 1-1.5 साल पहले से ही पीएचडी कर रही हूँ, तो थोड़ा सा पति देव को परेशान तो करना ही पड़ता है या होना पड़ता है उनको मेरी वजह से। तो अपना काम छोड़कर मुझे लेकर जा रहे हैं भोपाल, और ये सनसेट मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। हम लोग हमारे जो भोजपुर रोड पर है यूनिवर्सिटी, उसके पास के ही होटल्स जो हम लोगों को नंबर्स दिए गए थे इस कॉलेज की यूनिवर्सिटी की तरफ से, उनके जो होटल वाले थे उनसे हस्बैंड बात कर रहे थे कि अगर हो सकेगा तो पास में ही ले लेंगे, पर ऐसा कुछ खास हम लोगों को नहीं लगा। तो फिर अंत में पहले की तरह हम लोग फिर से सोच लिए थे कि एमपी नगर ही जाएंगे। तो देखिए, रास्ते में इतनी बढ़िया शानदार होटलें बन गई हैं। ये विदिशा रोड पर थी, तो वैसे हवेली जैसे बहुत सुंदर लग रहा था। और अब वही जगह जगह खेतों में जो बची हुई फसल रहती है ठूंठ, उसको जलाया जा रहा था, तो काफ़ी जगह ये चीज़ भी चल रही थी। और पर ठंडक हो गई थी, अच्छा लग रहा था, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। पर हम लोग आराम आराम से चले जा रहे थे। रात में थोड़ी दिक्कत भी होती है। मेरी बहुत साल से इच्छा थी पीएचडी की। मेरी मायके में मेरे बड़े मामा तो प्रोफेसर हैं और प्रिंसिपल हैं। तो देखिए, ये जो एक होटल थी, ये यहाँ पर हम लोगों ने सोचा थोड़ा कुछ खा पी लें, तो उसको छोड़ के इस वाले पर आए, मंगौड़ी खाई। और फिर ये देखिए, जगह जगह चेक पोस्ट है, क्योंकि हम लोग जा रहे थे 1 मई को और 7 मई को हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव है। तो जगह जगह पुलिस की चौकी मतलब नियुक्त किए गए थे पुलिस के लोगों को, जो कि चेक करें, पर फिलहाल अभी ऐसी चेकिंग नहीं हुई थी। और हम लोग इस तरह से अपने पहुंच गए थे भोपाल। और देखिए, भोपाल में ये आसपास का सभी कितना डेवलप हो गया है, ये मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। बहुत चीज़ें बदल गई हैं, हर जगह बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। जो खुली जगह थी उन सभी जगह पर डेवलपमेंट हो गया है, या कहना चाहिए विकास विनाश की ओर जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं। तो ये देखिए, रात की चमक धमक भोपाल की। अब हम लोग आ गए थे एमपी नगर। इस होटल में भी लास्ट टाइम हम लोग रुके थे, पहले भी सुरभि होटल थी एमपी नगर में। थक गए हैं,
आज चारविलो शिवाक्षी का बर्थडे है, सेकंड बर्थडे, और अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा है होटल में। लास्ट ईयर उन बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से बर्थडे नहीं मन पाया था। भैया ने बहुत रोका, पर पॉसिबल नहीं था। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को यूनिवर्सिटी पहुंचना है, कल हमारी पीएचडी की आरडीसी है, इस वजह से मैं नहीं रुकी प्रोग्राम में, क्योंकि शाम के 7 बजे से शुरू होना था और हम लोग शाम को 6 बजे निकल आए हैं। उसके बावजूद हम लोगों को 10 बज चुके हैं, 10 से ज़्यादा भी बज चुके। अगर और हम लोग मतलब वहाँ से 9 बजे निकलते तो पता नहीं कितने बजे यहाँ पर आते, इस वजह से हम लोग नहीं रुके। 10:18 हो गए हैं। भोपाल में तो एंटर कब से हो जाते हैं, पर अपन किसी भी शहर में जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने के लिए तो आपको मतलब पूरा 1 घंटा लग जाता है। तो अब होटल देखने के लिए आए हैं, फिर सुबह कल जल्दी जाना है हम लोगों को। ये देखिए भोपाल की मनोहर डेयरी आ चुके थे, मैं अपना सेल्फी ले रही थी। बहुत अच्छा होटल है, यहाँ शुद्ध घी का ही सब खाना मिलता है और मुझे और हम सभी को बहुत टेस्टी लगता है। हम लोगों ने थाली मंगाई, बढ़िया खाना था, मैंने सिंपल और पतिदेव ने स्पेशल। स्पेशल में सिर्फ वो ये दिखा रहे थे कि स्पेशल में इतना स्पेशल है कि बस एक पनीर की सब्जी ऐड हो गई है और गुलाब जामुन। और ये है मनोहर डेयरी। नेक्स्ट वीडियो में आइए।